आज जो लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने किलेबंदी क्यों की, उन्हें आज हम 6 सबूतों के आधार पर बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों दिल्ली पुलिस एक बड़े नरसंहार को रोकने के लिए बॉर्डर सील करने पर मजबूर है। विपक्षी नेताओं के बॉस बने राकेश टिकैत इस समय 10,000 से अधिक लोगों की मौत का मंसूबा लिए बैठे हैं। इसीलिए दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी जरूरी है। खुद सुनिए आप। ये उनकी गलत फहमी है कि 1,000 मारे जाएंगे, इसमें 10,000 से ज्यादा लोग, लाखों आदमी इसमें मारा जाएगा। राकेश टिकैत ही नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद रौनित बिट्टू तो लाशों की ढेर लगाने का ऐलान कर चुके हैं। इसीलिए दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी जरूरी है। ये सोच रहे हैं भी यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे थक जाएंगे। नहीं, हम लाशों की भी ढेर लगाएंगे, लाशों की भी ढेर लगाएंगे। जब इरादा इंदिरा गांधी को ठोकने से लेकर प्रधानमंत्री मोदी को ठोकने की हो तो आप इनकी साजिश का अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी जरूरी है। कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को, ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में, ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। जब राकेश टिकैत जैसे किसान नेता की पत्नी भी चाकू से मोदी का पेट फाड़ने की बातें कहे तो समझ लीजिए युवाओं को किस प्रकार भड़काया जा रहा है। इसीलिए दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी जरूरी है। टिकैत साहब की जो मिसेज हैं वो अब आ गई है, अब मुझे आना पड़ेगा, यहाँ टमाटर काटने आ गई है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये अब जो लंगर का तो घर में भी इन लोगों से काम करवाया जाए, मर्दों से। खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं तो रोज लंगर खाता हूँ। बढ़िया करे भाई, खावे मोदी का पेट पड़वाओ चक्कू तक, मोदी का पेट पड़वाओ चक्कू तक। जब दिन दहाड़े खुलियाम किसान बैरिकेड को तोड़ने की बातें करें तो समझ लीजिए कि दिल्ली की किलेबंदी जरूरी है। और बढ़िया है, फिर तो पुलिस ने इंतजाम कर दिया बैरिकेड पर, सरकार उन्होंने सड़क तो रोक ही रखी, हमें भी सड़क पे लेटना है, वहाँ पे सड़क पे लेटेंगे सवेरे बैरिकेड तोड़ देंगे। किसानों की भेष में दंगाइयों ने क्या कुछ नहीं किया। जब किसान धमाकों की बात करने लगे तो समझ लीजिए कि दिल्ली की किलेबंदी जरूरी है। देखिए मैम, बहुत सिंपल सी बात है, ऊंचा सुनने वालों को धमाके की जरूरत होती है, ऊंचा सुनने वालों को धमाके की जरूरत होती है। दिल्ली कई बार दहली है लेकिन जब अन्नदाताओं के नाम पर ये दंगा फसाद होने लगे तो समझ लीजिए दिल्ली वाले खतरे में है। जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा केजरीवाल जैसा नेता ही मोदी विरोध में दिल्ली को दंगों में झोंकने पर आमादा हो जाए तो समझ लीजिए दिल्ली वाले खतरे में हैं। इसलिए दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी जरूरी है।